दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है, आज जो मैं आप लोगों के पास आई हूँ, इसमें मैं कोई कहानी लेकर नहीं आई हूँ। सच बताऊं तो रोज की तरह आज सुबह भी मैं वॉक के लिए निकली, और यूजुअली मैं जब वॉक के लिए जाती हूँ तो अपना मोबाइल वगैरह साथ लेके नहीं जाती, बिल्कुल खाली हाथ जाती हूँ और चुपचाप बस अपनी एक घंटा वॉक करती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सब भी किया करें, और वापस आ जाती हूँ। बट आज वॉक करते करते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन हुआ कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ इस बात को, और इसमें मेरी एक विनती है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों जब मैं वॉक के लिए निकल रही थी और 10 मिनट का जब मेरा वॉक पूरा हुआ तो मैंने देखा कि रोड साइड पे एक रिक्शा खड़ा है, और रिक्शे का जो चलाने वाला है वो भैया जो है वो फुटपाथ पे ही एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा खासा सा लड़का, मुश्किल से 30 साल का होगा, और बिल्कुल उसके मुंह सूखा हुआ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त, और अपने आप से कुछ बातें कर रहा है। पता नहीं क्यों नज़र रुक सी गई उसकी तरफ, मैंने देखा और फिर मैं बिल्कुल अनजान सी बन गई, क्योंकि आजकल तो सब हम कवर्ड होते हैं और ठंड ज़्यादा होने की वजह से मैंने हुडी भी लगाई हुई थी, कैप पहनी हुई थी, मास्क पहना हुआ था, और मैं आगे को चली गई उसको देख के। थोड़ी देर बाद मुझे ये लगा कि मेरे पीछे से कोई कुछ कह रहा है, मैं आगे जा चुकी थी काफ़ी, और मैंने देखा कि वही रिक्शा वाला जो है मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मुझे कहता है कि दीदी कहीं आपको छोड़ दें। आप जानते हैं दोस्तों कि हम जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, हम लोगों के साथ मतलब मेरे साथ मैं अगर बताऊँ तो कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि दया करके या बहुत मेरी आदत थी कि मैं बातें सुन लेती थी ऐसे लोगों की मैं, लेकिन आज डर गई और मुझे लगा कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मतलब पहला जो विचार आया वो नेगेटिव विचार ही आया मेरे मन में, और उसके बाद मैंने कहा नहीं भैया मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो वॉक कर रही हूँ। तो कहता है अच्छा दीदी कोई बात नहीं, आप वॉक करिए। फिर मैं रुकी दोस्तों और मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो फिर से उदास सा हो गया और मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने कहा कोई बात नहीं देखी जाएगी, और मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। मैंने उससे पूछा कि भैया क्या बात हो गई, आपकी तबीयत ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो कहता नहीं नहीं मैडम, आप सवारी ले लेती तो मेरी बोनी हो जाती, और बस इसीलिए पूछ रहा था, आप वॉक करिए। तो मैंने कहा के रहने वाले, वो रिक्शे से उतर गया बल्कि मुझे कहते हुए, तो कहने लगा कि कुछ नहीं दीदी मैं तो कानपुर का हूँ। और मैंने कहा कौन कौन है? मैंने कुछ बातें उससे पूछी उसके परिवार के बारे में, उसके बारे में उसने मुझे बताई, और फिर वो कहने लगा कि जब से ये ई रिक्शा चले, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ दोस्तों ये इंदिरापुरम गाजियाबाद की बात है, तो मैं मुझे खुशी होगी कि यहाँ के लोग इस बात को ज़्यादा सुने और गौर करें इस बात पर। और वो रिक्शे वाला था और वो ये कहने लगा कि बहुत ज़्यादा ई रिक्शा चलने की वजह से हम जो मैनुअली रिक्शा चलाते हैं, हम लोगों का जो धंधा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लोग हमारे पास नहीं बैठते क्योंकि ई रिक्शा जल्दी भी पहुंचाता है और ई रिक्शा जो है सस्ता भी है। तो हम लोगों की रोज़ी रोटी पे बात आ पड़ी है और परिवार है, हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हम अब क्या काम करें, और कोरोना की वजह से भी जो इतनी बड़ी मार पड़ी है कि मजदूरी भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो बस वही सोच रहा था कि अब क्या होगा। तो मैंने उसको बोला कि भैया मैं तो, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो एक सवारी मैं आपको ज़रूर दे देती, तो क्या आपके पास पेटीएम है? तो आप पेटीएम ले लो और मुझे आगे तक छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं दीदी पेटीएम नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ज़बरदस्ती मत बैठो मेरे रिक्शे में, आपने मेरी बात सुनी, मैं बहुत खुश हुआ, और मेरे को मेरे अपनी माँ की याद आ गई गाँव में, क्योंकि कौन सुनता है हम लोगों की बातें, कोई नहीं सुनता है। पता नहीं दोस्तों बहुत बुरा सा लग गया, और ऐसा लगा कि कैसे इसकी मदद करूं, कैसे इस क्या करूं। तो मैंने उसको बोला कि भैया तुमने अभी जो कुछ मुझे अपने बारे में बताया है, अगर मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग करूं तो तुम बोल दोगे?
लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसने बोला दीदी मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैंने तो आपको माँ का दर्जा दे दिया है, तो माँ से कोई कुछ नहीं लेता है, और हाँ मैं सब कुछ बोल दूंगा। फिर मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करी दोस्तों, और वो मैं इसमें शेयर करूंगी इसी वीडियो में आगे, और प्लीज उसको देखिएगा और देखिएगा कितना कॉन्फिडेंट लड़का है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरह से लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया, तो ये भी उसी का एक विक्टिम है। तो दोस्तों मैं बैठी उसके रिक्शे में और बस मुश्किल से 500 कदम हम आगे गए होंगे, और मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि वो बिल्कुल भूखा प्यासा था, तो मैंने उससे कहा तू बस एक कप चाय पी ले, मैं पेटीएम से पे कर दूंगी, आज मेरे पास फोन है। लेकिन वो नहीं माना और बहुत जिद करके मुझे उसको चाय पिलानी पड़ी। मैंने उसको खाने पीने के लिए कुछ देना भी चाहा ताकि वो दिन में कुछ खा ले, लेकिन उसने नहीं दिया। वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो उसका एक नेचर था और जो वो अपनी रिस्पेक्ट को बनाए हुए था, उसने और उसकी तरफ मेरा ध्यान केंद्रित किया और मेरा मन हुआ उसके लिए मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन इस मोमेंट में मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैंने सिर्फ उसको इतना कहा कि आप भैया मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं बाकियों का तो नहीं जानती, लेकिन मैं अब मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी और अगर तुम इंदिरापुरम में होगे तो आपके साथ ही मैं रिक्शे में सवारी किया करूंगी या मेरे परिवार वाले। बहुत खुश हुआ दोस्तों और कहने लगा बस आप मेरे रिक्शे में बैठ गए, मुझे लगता है मेरा दिन बन जाएगा। इतने दुख के समय में भी, इतनी प्रॉब्लम्स के टाइम में भी कोई इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना कैसे बना के रख सकता है। तो दोस्तों ये लोग होते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। मैं शायद उसके रिक्शे में बैठ भी जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे 20 या 30 रुपये दे देती, लेकिन उसने वो भी नहीं लिए। और हम लोगों के लिए जो हम अपना पालन पोषण कर पा रहे आराम से, और जो हम हैं जिनके पास छत है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं भगवान ने दी है, हमें रोज़ भगवान को इसका धन्यवाद करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए कि हम सक्षम हैं। और मैं आप लोगों से विनती करूंगी दोस्तों कि प्लीज़ इसकी बात सुनिएगा, और जो इस एरिया में रहता है वो हो सके तो इसके इस फोन नंबर से इसको बुलाइएगा। अगर आपको कहीं भी चलना है और आपको रिक्शे से जाना है तो इनको इसकी प्लीज मदद जरूर करिएगा। और मुझे तो मदद शब्द बोलने में भी बहुत हिचक हो रही थी, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं इस वीडियो को YouTube में डाल रही हूँ, और मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसको फ्री में कोई पैसे दीजिएगा, क्योंकि ना तो उसके पास कोई बैंक अकाउंट है, ना उसके पास पेटीएम है। उसकी हम लोग उसकी मदद सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि कहीं हमें जाना हो तो हम उसके रिक्शे की सेवा ले सकते हैं। तो फर्दर चलते हैं आगे और देखते हैं, उससे मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी स्मार्टनेस और उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बहुत अच्छा था। आइए आगे देखते हैं, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगी, और जो भी उसकी मदद करेगा। भैया सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम रामगिला है। कोरोना वायरस की वजह से ई रिक्शों में कोई बैठता नहीं है, और सुबह से जहाँ गया हूँ ठंड की वजह से कोई बैठता नहीं है। तो ये आपका रिक्शा जो है ये किराए का है या आपका अपना है? किराए का है। किराए का है जी। तो कैसे फिर गुजारा कर रहे हो? अब ये है कि भगवान भरोसे जी रहे हैं मैडम। और कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर से 100 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। अच्छा, शहर गांव का नाम? गांव का नाम हमीरपुर जिला सिसोलर तहसील। फिर से बोलो जोर से। हमीरपुर जिला सिसोलर गांव तहसील मौदहा जनपद हमीरपुर। और नाम बताओ अपना। मेरा नाम राम मिलन है। ठीक है, तो दोस्तों ये है राम मिलन है ना, कानपुर से, और रिक्शा चलाते हैं किराए का लेके इंदिरापुरम गाजियाबाद में। और बहुत तकलीफ है, जब से कोरोना हुआ है लोगों ने रिक्शे में बैठना बंद कर दिया है, और ई रिक्शा आने की वजह से लोग ई रिक्शा में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। तो इनकी तकलीफ को समझते हुए हम लोगों ने इन सब को मदद नहीं करनी है, इनको हमने सहारा देना है। ये सब हमारे ही लोग हैं, है ना, हमारे अपने लोग हैं, इनका भी परिवार है, बच्चे हैं, तो हमको इनको पूरी तरह से मदद करनी है। ठीक है, नमस्ते कर दो भैया सबको, और सबको बताओ आप क्या चाहते हो लोगों से। हम ये चाहते हैं कि आप हमको हो जो तो मजदूरी कोई मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए, ये रिक्शा छोड़ काम खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं आपका नंबर इस वीडियो के साथ डाल रही हूँ,
और लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग यहाँ रहते हैं आपकी सेवा लें, ठीक है भैया? तो और मेरे को जब जरूरत होगी अब मैं आप ही के साथ बैठूंगी, ठीक है? नमस्ते भैया, चलिए।